गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। एंड वेर आर वी, कहां पे है हम लोग? कहां पे है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओके, जोक्स अपार्ट, सो गाइस, दिस इज आवर न्यू स्पेस फॉर रूम गियर्स। हमारा न्यू ऑफिस है रूम गियर्स के लिए। आपको पूरा वॉक थ्रू देते हैं। सो गाइस, रूम गियर्स हम लोग को लगा नहीं था कि उसके लिए एक ऑफिस स्पेस लेना पड़ेगा, कि बहुत सारी चीज़ें मीटिंग्स करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए लगा नहीं था। लॉकडाउन लगा था ना, तभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड वी थॉट कि मतलब देर आर लाइक वाइड है मार्केट में कि ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो वो हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ तो स्टार्ट करते हैं। एंड टैंक बैग वॉज आर पायलट प्रोजेक्ट। आई कैन नॉट, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो आई रियली, मतलब मुझे बताना है आपको ये चीज़ कि सचिन और मैं ना ऐसे बैठे रहते थे, और है ना, जब कोई इंसान कोई नई चीज़ शुरुआत करता है ना, तो वो एक 3D एनिमेशन वगैरह बनाता है, ऐसे बहुत जहजी वाली ये सारी चीज़ें होती है। हम दोनों ने ना बुक में ड्रॉ करके हमारी टैंक बैग डिज़ाइन की थी कि हमें ऐसी टैंक बैग चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग राइड पे जाते थे ना, एक वही चीज़ थी जो ऐसा लगता था कि इसमें कुछ तो क्रिएटिव हो सकता है, कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। और हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था ना, वो रूम चार्जर्स यूनिवर्सल टैंक बैग जो था हमारा, वो लॉकडाउन में ही हम लोग ने बुक में ड्रॉ कर करके उसको पूरा लाइफ हम लोग के आँखों के सामने वो बनाया है हमने। मतलब चीज़ें ना ऐसे जब बन जाती है ना, तो आप लोगों को लगता है कि अरे बन गई चीज़, बन गई, वाओ। उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ में इतनी मेहनत है ना गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेहनत प्लस लर्निंग आल्सो। एग्जैक्टली, मतलब हर एक गलती करने के बाद सीखते कि नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था। मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच सीखना, बताए कभी कभी कोई एक इंसान है ना 15 मिनट का वीडियो बनाता है, उसके नीचे हेट कमेंट लिखने के लिए 2 सेकंड नहीं लगता आप लोग को, राइट? लेकिन वो वीडियो बनाने के पीछे वो बंदे का या बंदी का इतना मेहनत होता है ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बांटिए और सब लोग ग्रो होइए अपने लाइफ में। और सेम थिंग हैपेंड विद अस, दिस इज रूम गियर का स्पेस विच वी हैव टेकन, क्योंकि हम लोग की मीटिंग्स होती थी। मुझे पता है स्टोर पर अभी भी क्लाइंट है, टुडे इज संडे और पूरे क्लाइंट्स भरे हुए हैं स्टोर पर, और अगर उस टाइम पे हम लोग को कभी कोई मीटिंग करनी है, वेंडर आना है या फिर रॉ मटेरियल्स रखने हैं या फिर हमें मतलब कुछ बात करनी है कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एंड देन वो डिस्ट्रैक्शन भी होता था हमारे लिए भी, क्लाइंट्स लोग के लिए, बिकॉज आप लोग भी इतने एक्साइटेड रहते हो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका डिज़ाइन टाइम पे ना मैं था, मुझे पता था कि, और एंड आई डिसाइडेड कि वो वाली चीज़ मुझे चाहिए। एग्जैक्टली गाइस, तो फिर हर एक चीज़, मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम टैंक बैग और फिर टेल बैग आया। टेल बैग में इतनी सारी क्रिएटिव चीज़ें हम लोग ने करी है, वो छोटी से छोटी ड्राई बैग के लिए भी हम लोग ने इतना मेहनत करी हुई है गाइस। वो ड्राई बैग में भी, मतलब आप लोग ऐसा लगेगा अरे ये ड्राई बैग ही तो है, लेकिन वो ड्राई बैग को वाटर प्रूफ बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना है आपको। तो वो सारी चीज़ें जब करने के बाद वो एक प्रोडक्ट आपका लाइव हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, एंड देन इतना प्यार देते हैं पैन इंडिया आप लोग, तो इट फील्स सो मोटिवेटेड। और इसीलिए वी केम अप विद दिस रूम गियर्स का स्पेस, सो दैट ये स्टोर से इट्स जस्ट 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर हमारे सारे रॉ मटेरियल्स रहेंगे, सारे जो भी हम लोग, जो भी चीज़ हमारा प्रोडक्शन में होता है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में आने से पहले कितने सैंपल्स निकालते हैं हम? बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, टेस्टिंग के बाद में भी काफ़ी फेल हो जाते हैं, मटेरियल टेस्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एटलीस्ट 7-8 सैंपल्स तो हमारे वेस्ट हो जाते हैं उसमें। सो ये वाले स्पेस का भी हम लोग आपको वॉक थ्रू देंगे। जस्ट वॉन्ट टू से दैट गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव, पहली चीज़, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो आप लोग देते हैं हमको। हमेशा हमसे अच्छा वर्जन बनना चाहिए। वो बोलते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ें, वो सारी थॉट्स मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे बस आपको ये बोलना है कि आपकी कंपटीशन आपसे होनी चाहिए, कि आप कल जैसे हो वैसे ही आज ना रहो, उससे बेटर वर्जन होना चाहिए। वर्जन से याद आया, जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट था वरुम जार्विस यूनिवर्सल टैंक बैग, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं और वो ऑब्वियसली यहीं से निकल के आएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। ये वाली टैंक बैग हमारी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है अभी की, और उसमें हम लोग ने कूट कूट कर इनोवेशंस डाली हुई है आप लोग को, मतलब इट विल बी कुछ तो एक बोलते हैं ट्रेंड सेटर टाइप वो टैंक बैग होगी, आप लोग को इतना अच्छा लगने वाला है ना वो सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग हर चीज़ स्लोली और स्टेडली करना पसंद करते हैं। आई थिंक कि भागना चाहिए, समटाइम्स यू शुड रन बिफोर यू लर्न हाउ टू वॉक, लेकिन जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग हर चीज़ धीरे धीरे कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट यू बाइकर्स टू हैव एटमोस्ट हैप्पीनेस जब वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होता। सो गाइज, लेट मी क्विकली गिव यू द वॉक थ्रू ऑफ आर न्यू ऑफिस रूम गियर्स का। ओके, कम।
सो यहाँ पर दिस इज आवर स्पेस, यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं हमारे ब्रूम गियर्स के. यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन वाले टैंक बैग रखी हुई है और इसमें हम लोग ने इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रॉ मटेरियल्स है, जस्ट लाइक ये जो भी क्लिप्स व्लिप्स रहती है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो भी हैंडल्स वैंडल्स रहती है, ये सब वी हैव टेस्टेड दिस एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस एंड दिस इज़ लाइक ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. तो ये सारी रॉ मटेरियल इधर रहेगी. उसके बाद ये प्रोडक्शन वाले हमारे टैंक बैग, इफ़ यू कैन सी ये हमारे प्रोडक्शन वाले. सो ये फाइनल क्यूसी होने के बाद ये हमारा नॉर्मली वी स्टार्ट सेलिंग इट. सो ऑल द क्यूसी टीम एंड एवरीथिंग जो भी होगा वो हमारे यहाँ पर बैठेंगे एंड दे विल बी डूइंग ऑल दिस सब, ये सारी चीज़ों का काम वो लोग करेंगे. प्लस हम लोग ने ये पार्टीशन बनाई हुई है सो दैट यहाँ पर हम लोग ने AC लगाया हुआ है एंड वी विल बी सिटिंग हियर विद एनी मीटिंग्स हो या कुछ भी वेंडर वेंडर के साथ कुछ भी मीटिंग वीटिंग है, कुछ भी चीज़ है तो वो हमारा यहाँ पर होने वाला है. सो यहाँ पर वापस थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स हैं, जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट. हम लोग को देखना है कि कहाँ हम लोग बैठ सकते हैं, हाउ वी कैन अरेंज आर टेबल एंड आर चेयर हियर. तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं. सो येस, दैट्स हाउ आर ऑफिस लुक्स लाइक. एंड पूजा वगैरह सब हो गया है यहाँ पर, हम लोग ने सब पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया है, सब हो गई है और जल्दी ही यहाँ पर हम लोग काम चालू करने वाले हैं. विशेस लक एवरीवन. सो गाइस, आई होप आप लोग को ये छोटा सा स्पेस अच्छा लगा हो. छोटे से ही बड़ी चीज़ें होती है. इसमें बहुत रॉनेस है अभी भी, इसमें काफ़ी चेंजेस हो गए छोटी मोटी. तो हम लोग ने सिर्फ इधर पेंट किया है थोड़ा बहुत, हम लोग ऑफिस टाइप लुक होने के लिए हम लोग ने थोड़ा बहुत चीज़ें कराई है. बीच में से पार्टीशन जो मैंने आपको बताया तो किया है सो दैट AC के साथ हम लोग अपने वेंडर लोग के साथ मीटिंग कर सके. तो ये चीज़ें ना ज़्यादा इधर हम लोग कुछ नहीं करने वाले. दिस प्लेस इज गोइंग टू बी रॉ गाइस, बिकॉज ब्रूम गियर्स के सारे जो भी रॉ मटेरियल्स होने वाले ना ऐसे इधर अभी पूरा भरने वाला है ये. तो दिस प्लेस इज गोइंग टू बी हेवन फॉर वी बोथ एंड दैट्स वी डिड इट. यस, बहुत मजा आने वाला है गाइस. स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर लॉट्स ऑफ थिंग एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट. यस गाइस, एंड वी आर वेरी हैप्पी. थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव. हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी फीडबैक है तो वी आर रियली ओपन फॉर ऑल द फीडबैक्स, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स हो, जो भी है आप कमेंट्स में लिख सकते हो, DM कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि ये चीज़ आप इसमें और बेहतर कर सकते हो. तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस एंड टेल अस. एंड उसी के साथ आपको अगर रूम गियर्स के कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप रूम स्टोर आके एरोली नवी मुंबई में आप आके ले के जा सकते हो. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अदर सिटीज देन मुंबई, देन हम लोग स्लोली एंड स्टेडिली सभी स्टेट सभी सिटीज में हम लोग डीलर्स अपॉइंट करने वाले हैं. वील बी चूजिंग सिलेक्टेड स्टोर्स एंड सिलेक्टेड डीलर्स सो दैट वहाँ पर आपको अच्छे से देखने मिले या फिर आपको अच्छे से वो भी एक्सप्लेन कर पाए. और एक अच्छी वाली न्यूज़ ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर हायरिंग प्रोसेस फॉर ब्रूम गियर्स. हम लोग को बिकॉज और जो भी हमारे ब्रूम गियर्स के जो भी टीम होगी दे विल बी सेटिंग इन दिस ऑफिस, सो वी आर गोइंग टू शॉर्टली स्टार्ट विद दैट प्रोसेस एज वेल. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू आर चैनल यू शुड, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगी. लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम पे रूम स्टोर के इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए. वहाँ पर हायरिंग प्रोसेस अभी शॉर्टली चालू होगा. रूम स्टोर एंड रूम गियर्स दोनों पे फॉलो कर लो. yes. क्योंकि वहाँ पे हायरिंग का वगैरह सब डाल देंगे सो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या फिर आपके जो भी नियर डियर्स है उनमें से कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट. ऑल्सो वी बोथ वॉन्ट टू थैंक गणेश मंदार निशांत एंड वेदांत, क्योंकि जब से ब्रूम गियर्स ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ हम 6 जन ने मिलकर किया हुआ है गाइस. दे आर लाइक अ वेरी गुड सपोर्ट टू अस. प्लस दे आर वेरी टैलेंटेड बिकॉज सारे के सारे बाइकर्स हैं, उनके दिमाग ना उसी तरीके से चलते हैं. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन और ब्लेसेस ताकि ब्रूम गियर्स और बड़ा हो, ये स्पेस और बड़ा होते 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 जाए एंड हम लोग बहुत सारे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाए आपके लिए. Until then, always wear helmet and keep rubbing with broom gears.